नमस्कार, पूर्वांचल समाचार देख रहे हैं आप और मैं बुद्धेश्वर शुक्ला और अभी मौजूद हूँ ही गंडक वाले गोपालगंज के उसी कुचायकोट में जो बिहार का सबसे बड़ा प्रखंड है और उसी प्रखंड का एक छोटा सा गांव है भटवा रूप, जहां हमारे साथ हैं अभी जो बीपीएससी छठवीं बैच का रिजल्ट प्रकाशित हुआ है उसमें भटवा की अंजलि ने अपना परचम लहराया और ग्रामीण क्षेत्र से आती है। कहना है कि किसान की बेटी है और उनके पिताजी एक छोटा सा दवा का दुकान कुचायकोट में चलाते हैं और हमारे साथ मौजूद है। हम उनसे बात करेंगे उन्होंने कैसे अपनी तैयारी की, क्या कुछ पढ़ा कि पहले ही अटेम्प्ट में इसने इस सफलता को प्राप्त किया। इन सब बातों के लिए हमारे साथ मौजूद है अंजलि। बहुत बहुत स्वागत है अंजलि आपका हमारे साथ इस कार्यक्रम में। हमको आप ही बताइए कि किस तरह से अपने पढ़ाई की, कहां से आपकी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा हुई, शुरुआती पढ़ाई लिखाई कैसे हुई। जानने में आया है कि आपने कुछ हाईकोर्ट से भी पढ़ाई किया है और इसके बारे में हमको बताएं। मेरी प्रारंभिक शिक्षा गांव के स्कूल से हुई है, विद्यालय से, और मध्य विद्यालय कुचायकोट से मैंने 8वीं तक की पढ़ाई की है और फिर गर्ल्स स्कूल से 12th तक की पढ़ाई की है और उसके बाद एम मीडियम कॉलेज मुजफ्फरपुर से मैंने अपना ग्रेजुएशन मैथ्स ऑनर्स में किया है और उसके बाद बीपीएससी का एग्जाम दिया है। उसके पहले ही अटेम्प्ट में इस तरह की सफलता प्राप्त करना कहीं ना कहीं गाँव के उन सभी लड़कियों के लिए एक मोटिवेशन का काम करेगा, एक लक्ष्य जो बना रखी है गांव की लड़कियां, और ऐसा लगता है कि हम पिछड़े इलाके से आ रहे हैं, ग्रामीण इलाके से हैं, हम इस सफलता को प्राप्त नहीं कर सकते हैं, उस मिथक को तोड़ा है अंजलि ने। और आप शायद यह वीडियो अपने प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं तो इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि उन लड़कियों के पास ये आवाज पहुंचे कि नहीं, एक अंजलि एक छोटे से गाँव भटवा से अगर बीपीएससी क्रैक करके वीडियो बन सकती है तो हम भी ये कर सकते हैं। और इसके लिए आप सभी को इस वीडियो को शेयर करना होगा, इस बातों को उनके दिमाग में बैठाना होगा कि अगर एक छोटे से गांव से अंजलि यहाँ इस बड़े मुकाम पर पहुंच सकती है तो इसके लिए पटना या कोटा के बड़े कोचिंग संस्थानों में जाना जरूरी नहीं है, सेल्फ स्टडी से भी इस सफलता को प्राप्त किया जा सकता है। अब हम इनके व्यक्तिगत जीवन से कुछ बातें जानना चाहेंगे ताकि आप सभी दर्शकों को भी ये सुनने को मिले कि कैसे इनकी तैयारी चलती थी, कैसे नोट्स वगैरह कहाँ से उपलब्ध होते थे, किस प्रकार से पढ़ाई करती थी, कितना समय पढ़ाई करती थी या फिर पूरी दिनचर्या किस तरह से गुजरती थी और इस बड़ी सफलता को प्राप्त किया है इन्होंने। सबसे पहले आप ये बताइए कि आपकी शुरुआती पढ़ाई लिखाई, जैसा आपने बता दिया कि कुचायकोट से शुरू हुई, मुजफ्फरपुर तक जाकर स्नातक पास किया, और आप जो भी दर्शक हमें अभी देख रहे हैं उनको ये बताइए कि क्या ये संभव है कि घर पर भी तैयारी की जा सकती है या बाहर रहकर कोचिंग करने से सफलता मिली, आपने क्या किया? मैंने घर पे ही रहकर सेल्फ स्टडी से तैयारी की है और आप कहीं भी रहें आपको बस उसका सिलेबस कंप्लीट करना होता है। आप कोचिंग में रह के पढ़ाई करें या सेल्फ स्टडी से, मैटर ये नहीं करता कि आप कहाँ रह के पढ़ाई करें, आपका सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए, एग्जाम की डिमांड नहीं होती है। और ये मिथक कहाँ तक मिथक है या सत्य है कि बड़े शहरों में जाकर के अगर हम पढ़ाई करते हैं तो ही सफलता को प्राप्त करेंगे, इस पर क्या कहेंगे जो लोग आपको हमारे प्लेटफॉर्म के माध्यम से देख रहे हैं या जो ऐसी पिछड़े गांव की लड़कियां आपको देख रही हैं उनके लिए क्या कहिएगा? बड़े शहरों में जाना अब जरूरी नहीं रह गया, वो दिन बहुत बीत चुका है, वो बीते हुए जमाने की बात हो चुकी है। अब सारा ऑनलाइन कंटेंट इतना अवेलेबल है कि आप कहीं पर भी घर पर भी रह के तैयारी कर सकते हैं, मैंने घर पर ही रह के तैयारी की, तो इसके लिए बाहर जाना जरूरी नहीं है। ऑनलाइन कंटेंट की आपने बात की कि ऑनलाइन कंटेंट से आप घर पे रहकर भी सेल्फ स्टडी कर सकती हैं, तो आप ये बताइए कि सोशल प्लेटफॉर्म पर कहीं थी क्या, फेसबुक वगैरह यूज करती थी, व्हाट्सएप वगैरह? मैं व्हाट्सएप यूज करती हूँ, फेसबुक मैं यूज नहीं करती क्योंकि उससे थोड़ा डिस्ट्रैक्शन होता है बहुत ज्यादा, और वैसे सोशल मीडिया पर बहुत से काम की चीजें भी अवेलेबल है तो हमें वो पिक कर लेना है कि हमारे काम की चीजें क्या है और जो डिस्ट्रैक्शन है उससे दूर रहना। सोशल मीडिया पर बहुत सारी काम की चीजें हैं, जैसा कि वीडियो बन चुकी है, अब वीडियो अंजलि बता रही हैं कि सोशल मीडिया पर बहुत सारी काम की चीजें भी उपलब्ध हैं, तो हम भी यही कहेंगे कि आप कहीं लोग कहते हैं देहात क्षेत्रों में कि गलत संगत में जाते हैं, तो गलत संगत केवल होता है वहाँ, गलती वहां से आप एक्सेप्ट करते हैं, गलती घर लाते हैं या फिर सुविचार वहां के अच्छे चीजों को आप अपने जेहन में लाते हैं या देखने वाली बात होती है। तो अंजलि ने भी बताया कि सोशल मीडिया पर बहुत सारे अच्छे चीज हैं जहां से आप अच्छाई को ग्रहण करें बुराई को छोड़ें। ये बताइए कि YouTube पर जो कंटेंट उपलब्ध है और YouTube के सारे आजकल के बहुत सारे लड़के लड़कियां पढ़ रहे हैं वो कहां तक की सफलता में साथ देता है? YouTube एक अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करवाता है, कुछ कुछ चैनल हम चूज कर लेना पड़ेगा कि कहाँ कहाँ पे अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करवाया जा रहा है। YouTube पे बहुत सारे चैनल होते हैं लेकिन सारे का कंटेंट का क्वालिटी उतना अच्छा नहीं है, तो किसी किसी चैनल पे आपको आइडेंटिफाई कर लेना पड़ेगा कि किस पोर्शन के लिए कौन सा YouTube चैनल सही है और फिर वहीं से आप अपनी तैयारी अंजाम दे सकते हैं। सारे YouTube चैनल को फॉलो करना जरूरी नहीं है क्योंकि उससे डिस्ट्रैक्शन बढ़ेगा। बीपीएससी छठवीं के परिणाम के बाद से वीडियो बन गई है, कैसा लग रहा है आपको वीडियो बनने के बाद? खुशी हो रही है, अच्छा लग रहा है, सभी लोग खुश हैं, सारे जानने वाले फोन मिलने आ रहे हैं, फोन कर रहे हैं, तो अच्छा लग रहा है।
आप वीडियो बन चुकी हैं और आपके गांव भटवा रूप में हम जो अभी आए हैं यहां जब भी कवर करने आते हैं तो देखते हैं कि यहां बहुत सुविधाओं की कमी है, संसाधनों की कमी है, यहां का एक सड़क भी ढंग का नहीं है। इस पर आप क्या कहिएगा कि आप वीडियो बन चुके हैं, आपका लक्ष्य क्या होगा कि इन सामाजिक व्यवस्थाओं को बदलना या फिर आर्थिक रूप से पैसा कमाना? बिल्कुल, सामाजिक व्यवस्थाओं को बदलना सबसे पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। और जैसे कि आपने बताया कि गांव में सड़क नहीं है, तो मैंने बचपन से ये देखा है, गांव में बचपन से ही सड़क की दिक्कत रही है। स्थानीय जनप्रतिनिधि चुनाव में आते हैं और वोट लेके चले जाते हैं, लेकिन आज तक सड़क की समस्या का समाधान किसी ने नहीं किया। तो मैं जरूर चाहूँगी कि ये सड़क की समस्या का समाधान हो, ताकि हमारे गाँव के लिए भी आवाजाही जो है सुलभ हो सके। आने जाने में आज भी बहुत दिक्कत होती है, इस पर भी काम होना चाहिए। तो सुन रहे हैं जिला परिषद महोदय, विधायक जी, सांसद महोदय, एमएलसी साहब, यह बच्ची जो भटवा रूप से आज अंजलि वीडियो के पद पर चयनित हुई है, यह बता रही है कि इतने संसाधनों के अभाव में भी हमने बड़ी सफलता को प्राप्त किया है। अगर आप लोग सपोर्ट करते, आप लोग उन संसाधनों की कमी को पूरा करते, तो इस भटवा रूप से और कई अंजलि निकल सकती थी और कई बड़े पदों पर जाकर के आपके भटवा रूप, आपके गोपालगंज का नाम रोशन कर सकती थी। लेकिन आप लोगों ने उस कमी को पूरा नहीं किया और वीडियो बनने के बाद अंजलि आज भी अपील कर रही है कि उस कमी को दूर किया जाए, ताकि अन्य छात्राएं जो इस गांव की, इस क्षेत्र की कमी से जूझ रही हैं, उन कमियों का उनके जीवन यापन पर, उनके पढ़ाई लिखाई पर, उनकी सफलता के पीछे कोई असर ना पड़े। आप पांचवी कक्षा उत्तीर्ण की होंगी, आठवीं, हाई स्कूल, इंटर और ग्रेजुएशन तक, उस समय से लक्ष्य यही बीपीएससी था या फिर और कुछ लक्ष्य था? प्रशासनिक सेवा में जाने का रुझान था शुरू से, लेकिन मैंने ये सोचा नहीं था कि मुझे बीपीएससी करना है। ग्रेजुएशन के बाद एकाएक लगा कि बीपीएससी की तरफ ध्यान देना चाहिए, होना चाहिए, और उसी वक्त इसका फॉर्म आया बीपीएससी का और मैंने ये डाल दिया और तभी से तैयारी शुरू की ग्रेजुएशन के बाद से। अभी तो आप वीडियो बन चुकी हैं, हमारे पूर्वांचल समाचार की पूरी टीम की ओर से बहुत बहुत बधाइयां आपको। लेकिन ये जानना चाहेंगे कि इसके बाद ये शिक्षा वाली जो आपकी गाड़ी चल रही है, यहाँ आगे जाएगी या फिर यहीं पर विराम लेगी? बिल्कुल आगे जाएगी, मेरा प्रयास होगा कि मैं यूपीएससी के लिए भी क्वालिफाई करूँ और अब उसकी भी तैयारी शुरू कर दी है मैंने और आगे मैं यूपीएससी में भी क्लियर होना चाहता हूँ। आईएएस बनने का सपना था अंजलि का, तमाम संसाधनों के अभाव में भी अंजलि ने शुरुआत की और समर्थन मिला परिवार का, गुरुजनों का, समाज का, और किसी तरह से इस घोर कमियों के बावजूद उसने बीपीएससी 66वीं को क्रैक किया और आज वीडियो बन चुकी है। और यह भी चाहेगी कि हम बिहार के साथ साथ अपने गांव के भी समस्याओं को दूर करने का प्रयास मात्र करें। और यहां के स्थानीय जनप्रतिनिधि और स्थानीय प्रशासन कितना सपोर्ट करता है तो देखने वाला समय बताएगा। अब हम कुछ व्यक्तिगत बातों के बारे में जानते हैं, पिताजी क्या करते हैं आपके? मेरे पिताजी दवा के दुकानदार, माता जी क्या करती हैं? माता जी गृहिणी हैं। कितने भाई बहन हैं आप? तीन भाई बहन हैं, भाई बड़े हैं, उसके बाद मैं और मेरी छोटी बहन है। भाई साहब क्या करते हैं? भाई साहब ने भी फार्मा किया हुआ है, अभी वो एम फार्मा कर रहे हैं, मैंने भी कोशिश किया है और मैं छोटी बहन की भी कोशिश। अच्छा लगा है जानकर के कि भाई साहब भी फार्मा किया है, शायद पिताजी के बिजनेस को संभालने का मन होगा या बिजनेस को और बड़े पद पर ले जाकर के स्थापित करने का मन होगा और छोटी बहन ने इस सफलता को प्राप्त किया है। भाई साहब भी मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। अभी फिलहाल पिताजी से इनके बात करते हैं कि इनको कैसा लग रहा है, कैसा लग रहा है? बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, बेटी ने इस बड़ी सफलता को प्राप्त किया, कैसा लग रहा है? मुझे तो बहुत खुशी हो रही है जी। मैं सोचा भी नहीं था कि मैंने मेरी फर्स्ट टाइम जी अटेम्प्ट कर लेगी। जब शुरुआत में जब न्यूज हमने देखा जी, तो मुझे वास्तव में मैंने लगा कि हाँ, मैंने पढ़ाई जो इसको पढ़ाया गया है आज सफल हो गया और मुझे दिल से बहुत खुशी हुई। शुरुआत से जब अंजलि पढ़ रही थी तो इस दौरान आपको लगा था क्या कि इतना सफलता, इतने बड़े पद को अर्जित करेगी या फिर इसको पढ़ा लिखा करके शादी विवाह कर देंगे, किसी के घर में चली जाएगी, क्या लगा था? नहीं, जब भी पढ़ रही थी सुबह क्लास क्लास वन में थी जी, तो क्लास वन से क्लास फाइव के बीच में जो टीचर थे इसके जी, उस समय हमें बात होती थी उनसे, तो बोलते कि आप इसको पढ़ाइएगा, ये बहुत अच्छी है, आगे बहुत अच्छा कार्य करेगी। तो मैंने सोचा कि चलिए, जो मास्टरों का जो अपना जो नजरिया है देखने का, तो मुझे सिर्फ सपोर्ट करना है पढ़ने पढ़ाने में, तो मैंने इसको पढ़ाई में कहीं अर्चा आने नहीं किया, जो भी जैसे भी हो सकता है, जहाँ से भी हो सकता है, उसमें मैंने इसको व्यवस्था किया और उसको मैंने पढ़ाई में हमेशा सपोर्ट। आप छोटी सी दुकान चलाते हैं, दवा की बेटी ने इतनी बड़ी सफलता को अर्जित किया है। हमारे प्लेटफॉर्म के माध्यम से, हमारे चैनल के माध्यम से आप सब उन तमाम अभिभावकों को कुछ संदेश देना चाहेंगे जो बेटियों की शिक्षा को लेकर के कितना सजग रहते हैं, तो अब हम नहीं बता सकते हैं,
कि जो सजग रहते हैं तो अच्छी बात है। जो लोग अगर सोच के छोड़ देते हैं कि बेटी ने ग्रेजुएशन कर लिया अब इसको पढ़ाई छुड़ा देना चाहिए, उनको उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? नहीं, मैं ये कहता हूँ कि अगर जो लड़की पढ़ने में जिसका अच्छा मन लग रहा हो, जो पढ़ने में बहुत ब्रिलियंट हो, उसको शादी चक्र में नहीं पढ़ना चाहिए। मैं चाहता हूँ कि जब तक वो उसका पढ़ाई का लगन हो उसको पढ़ाइए, ऐसा जो जो भी आपका लगे, जहाँ से पैसा मिलेगा आपको उसको कर सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा सोचिए कि मैं लड़की मैंने बोर्ड कर दी है, इंटर कर दी है, ग्रेजुएशन कर दी है, उसकी शादी कर दी है, मेरा बर्डन खत्म हो जाए, तो ये ऐसा सोचिए ठीक नहीं है। और लड़की आप जानना है कि लड़की पढ़ने में ठीक है, पढ़ सकती है, आगे कुछ कर सकती है, उसको जहाँ तक सपोर्ट हो, जितना सपोर्ट हो उसको सपोर्ट कीजिए। मुझे लगता है कि शायद लड़कों से ज़्यादा लड़कियाँ इस मामले में अच्छा कर सकती हैं। लड़कों से ज्यादा लड़कियां कर सकती हैं, ऐसा कहना है वीडियो अंजलि के पिता ओम प्रकाश तिवारी जी का। और इन्होंने बताया कि जो लड़की पढ़ना चाहती है उसको पढ़ाएं, और ये संदेश हम भी देना चाहते हैं अपने प्लेटफॉर्म के माध्यम से कि अगर कोई लड़की अच्छा कर रही है तो उसके इस शिक्षा की यात्रा को रोके नहीं, उसको अविरम चलने दें, जरूर कहीं ना कहीं उस बड़े लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। अब इनके अंजलि के भाई हमारे साथ मौजूद है, इनकी छोटी बहन जो नीट की तैयारी करती है हमारे साथ मौजूद है, उन लोगों से बात करेंगे कि उन लोगों को कैसा लग रहा है। भटमा रूप में अभी वीडियो अंजलि के भाई हमारे साथ मौजूद है, क्या नाम होगा सर? अभिषेक तिवारी जो अब वीडियो अंजलि के वीडियो साहब जो हैं, अंजलि उनके भाई साहब हैं, अभिषेक इनसे हम बात कर रहे हैं, कैसा लग रहा है छोटी बहन ने सफलता को प्राप्त किया है? दिल गदगद हो गया एकदम सुन के। पूरे गांव पूरे परिवार की तरफ से अंजलि को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई हो। पूरे गाँव पूरे कस्बे के लोग बहुत उसके लक्ष्य से खुश हैं, मतलब पूरे गांव का नाम पूरे भटमा रूप में, हमारे पूरे भटमा प्रखंड में, कुचायपुर प्रखंड में किसी घर की लड़की अभी इतने बड़े पद पर नहीं पहुंच पाई थी। काफी उत्साहित हैं और बता रहे हैं कि कुचायपुर प्रखंड में अभी इतनी बड़ी सफलता को अर्जित नहीं किया था किसी लड़की ने, और हमें जानने की कोशिश करेंगे कि क्या जब आपसे छोटी थी, आपके पीछे पीछे आपके पद चिन्हों पर चलने का काम करती थी, आपका अनुसरण करती थी, तो आपको लगता था कि छोटी बहन आज इतनी बड़े पद पर पहुंचेगी? मेरे पीछे पीछे चलती, लेकिन हम पढ़ने में काफी ज्यादा ब्रिलियंट थी और इसका रास्ता ही कुछ अलग था मेरे से, तो वो अपने रास्ते पर चली और आज सफलता को पा गई। तो सुन रहे हैं आप कि अंजलि इनके पीछे चलती थी लेकिन पढ़ने में इनसे ब्रिलियंट थी, आज ये भाई एक्सेप्ट कर रहा है। तो आप सभी भाइयों को और आप सभी अभिभावकों को उन छोटी बहनों के लिए हमें संदेश देना चाहेंगे कि आप अपनी बहनों को अविरल न रोकें, हाँ जरूर उनको सुरक्षा, उनको एक भाई का फर्ज निभाएं, लेकिन शिक्षा की यात्रा को न रुकने दें। अभी छोटी बहन हमारे साथ मौजूद है जो फिलहाल नीट की तैयारी करती है, इनका क्या विचार है, ये क्या करेंगी, क्या परिवार को इतनी बड़ी खुशियां देंगी या इससे भी बड़ी खुशी देंगी? स्वागत है आपका, क्या नाम है? प्रीति नाम है। प्रीति आप बताइए कि आप क्या करती हैं अभी? हम नीट का तैयारी करते हैं। कहाँ सेल्फ स्टडी से या फिर बाहर आती हैं? हम ऑनलाइन कोचिंग ज्वाइन किए हैं और घर पे रहकर पढ़ाई करते हैं। कौन सा कोचिंग ज्वाइन किया है ऑनलाइन? फिजिक्स वाला नाम ही है चैनल का और कोचिंग का, फिजिक्स वाला कोचिंग का ऑनलाइन अध्ययन करती हैं। और इनका सपना है कि डॉक्टर बन करके और पिताजी और भाइयों का नाम रोशन करें। कब बैठिएगा अटेम्प्ट में, कब होगा? 2024 में पहली बार नीट के एग्जाम में बैठेंगी और हम फिर उस समय कवर करने जरूर आएंगे कि क्या होता है। आज तो बहन अंजलि ने वीडियो बन गई है, बहन कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी हो रही है, सबका कॉल आ रहा है। अब तो जब आप कोचिंग में जाइएगा, अभी तो ऑनलाइन कर रहे हैं, जब ऑफलाइन कुछ आए तो ऑफलाइन गोपालगंज कोटा दिल्ली कहीं भी कोचिंग करने जाइएगा तो वहाँ लोग आपको अंजलि जो वीडियो अंजलि के नाम से कहेंगे बड़ी बहन, प्रीति की बड़ी बहन वीडियो है, कैसा लगेगा वहाँ? बहुत अच्छा लगेगा, सबको अच्छा लगेगा। बहन से क्या कुछ सीखा है कि कैसे पढ़ाई करना है? कुछ वही पढ़ाते थे बचपन से, सब कुछ उसने सिखाया है और भैया बहुत सपोर्ट करते हैं पढ़ाई में, सब कुछ जो भी चाहिए होता है भैया से बोलते हैं दोनों, और भैया लाके देते हैं। भैया सपोर्ट करते हैं। और जो वीडियो साहब अभी हैं अंजलि, ये पहले शिक्षक की भूमिका में प्रीति को तैयारी कराती थी, तो अगर अपने एक शिक्षक आज वीडियो के पद पर पहुंचा है तो कहीं ना कहीं जरूर अंजलि और प्रीति भी सफल होंगी, हमको ऐसा लगता है। और हमारी तमाम बधाइयां हैं पूरे परिवार के साथ कि इन लोग सफलता प्राप्त करें, गोपालगंज का नाम एक भारत के दृष्टि पटल पर स्थापित हो, और तमाम उस समाज की बहनों के लिए, उन बेटियों के लिए जो हमें अपने प्लेटफॉर्म के माध्यम से देख रहे हैं, उनको कम से कम मोटिवेशन मिले कि हाँ अगर अंजलि और प्रीति एक छोटे से गांव भटवा रूप में रह करके इतनी बड़ी सफलता को अर्जित कर सकती है तो हम लोग क्यों नहीं। और तैयारी जम कर करें, पूरे पेशेंस के साथ करें, पूरी लगन के साथ करें, सफलता एक दिन आपको कदमों में होगी। वीडियो साहब जो अंजलि भटमा रूप की हैं, उनकी फुआ जी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं, वो भी शायद सुन के आई हैं कि भतीजी आज वीडियो हो गई है, कैसा लगता है? भतीजी ने तो गर्दा उड़ा दिया है। कटिया घर है आपका, कटिया में कहाँ घर होगा? जी देखिए गोपालगंज के कटिया में इनका घर है और ये अंजलि की बुआ जी हैं,
और वीडियो बनने के बाद इनको जानकारी मिली और ये दौड़े यहाँ चली आई बेटी को आशीर्वाद देने के लिए। और बेटी ने जिस मुकाम को हासिल किया, क्या ऐसा आपने सोचा था कि आपकी भतीजी है, आपके घर की लड़की आज बिहार के एक बड़े चैम्बर में किसी प्रखंड में वीडियो बन करके बैठेगी? ये आशा था, पढ़ने में बहुत छोटे से बहुत पढ़ने में ठीक थी, आशा था कि पढ़ के किसी दिखाएंगे तो सुन करेगी। तो अब तो दिखा दिया है बेटी, अब क्या आशीर्वाद दीजिएगा? आशीर्वाद देने का है से अभी क्या लगता है कि बेटी इससे भी बेहतर कुछ करेगी या आगे में बढ़ेगी? बढ़े। अंजलि की माता जी हमारे साथ हैं और इनसे जानेंगे कि वीडियो बनने के बाद इनको कैसा लग रहा है। बेटी वीडियो बन गई है, गर्दा उड़ा दिया है पूरे बिहार में एकदम, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा है, बहुत खुशी हुई है। जब छोटी थी, छोटे क्लासों में पढ़ती थी, तब क्या लगा था कि बेटी आगे जाएगी? अब तो जब बाहर निकलिएगा तो मोहल्ले की औरतें कहेंगे कि वीडियो से आपकी माँ है, कैसा लगेगा? अत्याचार तो नहीं कीजिएगा कि बेटी वीडियो बन गई है पूरा एकदम? ऐसा भी होना चाहिए कि बेटी ने उस सफलता को अर्जित किया है, इसके पीछे आप लोगों का क्या सपोर्ट रहा, क्या कुछ स्पेशल किया हो अपने बेटी के लिए? नहीं, हम लोग जितना हम लोग सक रहे हैं उतना हम कर रहे हैं जी। छोटे से दुकान से लेकर हम लोग बहुत किए। वहाँ इनके मामा के यहाँ से कुछ खबर आया था, कुछ सूचना मिला? हाँ, बात कर रहे थे, वो लोग हरियाणा रहते हैं। अच्छा, हरियाणा रहते हैं, क्या करते हैं वहाँ पे? वहाँ पे जॉब करते हैं। अच्छा, क्या बता रहे थे अंजलि के लिए? सब बहुत खुश है, सब रिलेटिव बहुत खुश है, सबसे बात कर रही, सबसे बात रिलेटिव बहुत खुश हैं। और अंजलि की माता जी थी जिनको आप सुन रहे थे, बेटी के वीडियो बनने के बाद अपार खुशी इनके चेहरे से झलक रही है और बता रही है कि जो मामा का घर है, नाना का घर है, वहाँ के लोग भी काफी खुश हैं। और इन सब बातों के साथ हम तमाम शुभकामनाएं प्रेषित करेंगे अंजलि के उज्जवल भविष्य के लिए, ताकि आगे भी वो कुछ लक्ष्य बनाई है तो उसको भी आप अर्जित करें। और इन सभी बातों के लिए हम एक बार पुनः धन्यवाद देना चाहेंगे अंजलि का, कि उन्होंने अपने उस बेशकीमती समय से निकाल करके हमको थोड़ा सा समय दिया, ताकि इनको परफॉर्म अपने प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम आपको दिखा सके कि अंजलि उस किसान की बेटी है, उन छोटे से दवा के दुकानदार की बेटी है, जो बिहार के कुचाई कोट से, जो बिहार का सबसे बड़ा प्रखंड है, गंडक के किनारे सटा हुआ प्रखंड है, और यहाँ तमाम सुविधाओं की कमी के बावजूद उसने इस सफलता को प्राप्त किया है। तो इसको आप लोग फॉलो करें और इनको जो मोटिवेशन के रूप में लो कि अगर अंजलि ने इस काम को किया है तो हम भी इस काम को करेंगे, और इस बात को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए हमारे इस खबर को शेयर करें, और हमारे साथ बने रहने के लिए, हमको सपोर्ट करने के लिए पेज को फॉलो करें। बहुत बहुत धन्यवाद।